ठीक ठाक तरीके से कर रही है। अगर नहीं करते हैं तो ग्लीसन गोंसालुइस के साथ प्रभाग समिति आय के महेश पाटिल की भी नौकरी खाऊंगा मैं। तहसीलदार में जाओ, ये हमेशा अप्पा का नाम लेता है, पता नहीं ये अप्पा कौन है और इनके नाम से अधिकारी क्यों डरते हैं, क्योंकि समझ नहीं रहे हो। एमआरडीबी मेरे हाथ में आने दो, फिर ये जो अधिकारी है ग्लीसन गोंसालुइस, ये अपनी कुर्सी पे क्या कभी महानगर पालिका के अंदर जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार में एक मुद्दा इस समय काफी चर्चा में है, वो मुद्दा है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर मणिपुर के सहायक आयुक्त ग्लीसन गोंसालुइस के अनधिकृत मकान में रहने का। यह मामला, इस मामले पे कई खबरें पहले बनी जा चुकी है और मन से लगातार ग्लीसन को लेकर आवाज उठाती रही कि ग्लीसन के भ्रष्टाचार को लेकर यह जो मामला सामने आया, इसमें भी मनसे के पाठ पुरावे हैं। मनसे ने अपनी तरफ से कोशिश की और ग्लीसन के बंगले को कहीं ना कहीं पेपर सादर करो का नोटिस निकला। आज 7 दिन उस नोटिस को पूरे हो चुके हैं। इससे पहले हमने मनसे के नेता स्वप्निल से बात करनी चाहिए थी, लेकिन स्वप्निल का ये कहना था कि नोटिस निकला है, 7 दिन होगा तब हम बात करेंगे। तो हम इस समय स्वप्निल के साथ है और बात करते हैं इस नोटिस के ऊपर। आज 7 दिन पूरे हो चुके, क्या स्वप्निल का कहना है? तो स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार स्वप्निल जी, अपना बात हुआ था जब नोटिस निकला था, तब ग्लीसन गोंसालुइस का घर जो है इल्लीगल, मतलब पेपर सादर करो का नोटिस निकला था, अभी उसको 7 दिन की मुद्दत तमाम हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर आप एक सरकारी पद पे बैठे हो और सरकारी पद पे बैठ के आप संविधानिक तरीके से जो सामान्य नागरिक है उनको न्याय दिलाने का काम करते हो, और उसी कुर्सी पे बैठ के अगर आप अपना आर्थिक फायदा उठाना चाहते हो और वो आर्थिक फायदा जो है वो सामान्य लोगों के जेब में से आप निकालते हो, तो किधर ना किधर बुरा लगता है। क्योंकि मार्केट में बैठने वाले जो औरतें थी ना, वो अपना घर चलाने के लिए उधर व्यवसाय कर रही थी, और उनका व्यवसाय के इतना बड़ा नहीं था कि वो किधर जाके बंगलो बांधने वाले थे। वो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, जो 5-50-100 रुपए जो कमाते हैं दिन का, वो दिन का 100 रुपए कमाने के बाद उनके घर में चूल्हा जलता है। तो ऐसे स्थानिक औरतों से हफ्ता लेना बहुत गलत बात है, और इसका विरोध हम लोग ने किया था। हमारे जो ये है उपशहर अध्यक्ष है सुजीत आंगरे, इन्होंने आवाज उठाया था, लेकिन आवाज उठाने के बाद उधर के अधिकारियों ने दादागिरी शुरू कर दी। फिर उसका किधर ना किधर उन्होंने वो जो गुस्सा था उनका, उन्होंने वो हमारे झंडे के ऊपर निकाल दिया। फिर उनको लगा कि अगर मार्केट मनसे के तरफ से चलना शुरू हो जाएगा, मनसे की यूनियन उधर आ जाएगी, तो किधर ना किधर हमारी वसूली रुक जाएगी। इसके लिए उन्होंने वो काली पट्टी लगा के मनसे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, उसके बाद सब शांत हो गया था। लेकिन ये जो आयुक्त थे, सहायक आयुक्त ग्लीसन गोंसालुइस, इनको ये खबर नहीं है कि जिसके घर खुद का कांच का होता है वो दूसरों के घर के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। तो ग्लीसन गोंसालुइस जब ही वालू में थे प्रभाग समिति जी में, तभी उन्होंने जो उधर कंपनियां चलती अवैध कंपनियां, उनके कार्यकाल में उन्होंने 450 MRTP नोटिस निकाली थी, और वो 450 नोटिस लेके उस टाइम के जो आयुक्त थे सतीश लोखंडे, उनके पास हमारी ट्रस्ट की तरफ से और हमारी तरफ से, वो टाइम पे मैं मनसे में नहीं था, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है जनादेश प्रतिष्ठान, उनकी तरफ से भारत भूषण वर्मा उनके नाम से एक कंप्लेंट दिया था सतीश लोखंडे को, जिसके अंदर 450 MRTP नोटिस बजाने के बाद, मतलब MRTP नोटिस लगाने के बाद एक भी MRTP के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। अभी आप सोचो, अगर एक MRTP के पीछे अगर लाख रुपए भी लेते तो 4.5 करोड़ होता है, लेकिन किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 3 लाख रुपए, किसी से 10 लाख रुपए, जितना बड़ा बांधकाम है उसके हिसाब से उधर पैसा वसूली किया ग्लीसन ने। वो पैसा वसूली जो उसने किया, वो पैसा उसने पूरा का पूरा वसई के अंदर जो होली है जिधर गोगाएवाड़ी है उधर, उसने उसी पैसे से 2 बंगलो लिया। अभी वो एक बंगला लगभग 1.5-2 करोड़ का है, ठीक है, उसी टाइम उसने वो इनोवा लिया। तो अगर इसका सैलरी, ये जो सहायक आयुक्त है उसका अगर सैलरी एक 30-35-40-50 हजार भी पकड़ लो, तो वो एक ही टाइम पे 2 बंगलो जो कि 3 करोड़ का हो गया मालमत्ता,
उसके बाद एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा जो कि लगभग 30-40 लाख की हो गई। तो ये सब लेने के लिए उसने जो आर्थिक फायदा किया है वो गलत तरीके से किया है, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था। तो हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था जब हम आयुक्त के पास आंदोलन कर रहे थे वो वैध था, क्योंकि हम लोग एक्शन क्यों मांग रहे थे, क्योंकि वो गलत तरीके से बैठ के उधर वसूली कर रहा था। तो हमारा जो मांग था वो उसको निलंबन करने का था, लेकिन आयुक्त ने हमारा एक नहीं सुना, आयुक्त ने उसको निलंबित करके हेड ऑफिस में बिठा दिया। लेकिन उसके बाद अभी पता नहीं वो जो ग्लिसन गोंसाल्विस जो अपना आर्थिक फायदा कर रहा था, वसूली कर रहा था, उसमें से कुछ टक्का अनिल पवार को भी जाते रहेगा। इसके लिए अनिल पवार ने, मैंने सुना ऐसा, अभी तक ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, दो दिन के बाद ग्लिसन गोंसाल्विस को वापस उधर बिठा दिया कुर्सी के ऊपर प्रभाग समिति एच के अंदर। अभी ऐसे सहायक आयुक्त की ना तो हम वसई विरार करके जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो हफ्ता वसूली करते अवैध तरीके से उधर आर्थिक फायदा करते हैं, और उसका जो मतलब उसका जो रिजल्ट आता है वो सब स्थानिक लोगों के ऊपर गिरता है। क्योंकि आप देखो घरपट्टी हमको भरनी पड़ती है, डबल ट्रिपल घरपट्टी हम लोग भरे और उधर अवैध बांधकाम करे, बारिश में हमारे घर में पानी घुसता है क्योंकि उधर अवैध तरीके से भरनी करके पूरा इंडस्ट्रियल बसा दिया जिधर से पानी नैसर्गिक नाले का निचरा होता था। फिर रास्ते गटर ये सब कुछ नियोजन नहीं है, तो इनका ध्यान इधर नहीं है, इनका ध्यान वो अवैध बांधकामों के ऊपर है जिधर से उनको आर्थिक फायदा होना चाहिए। इसके लिए ये सब चालू है कि हमें भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए वसई विरार के अंदर। इसके लिए ग्लिसन गोंसाल्विस के ऊपर अवैध तरीके से बंगलो बनाने के लिए, अवैध तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो नोटिस निकाला गया है, उसको आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। अभी देखना यह है कि प्रभाग समिति आय के जो सहायक आयुक्त है महेश पाटिल, वो ग्लिसन गोंसाल्विस के अवैध बांधकाम के ऊपर कल जाके परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 6 के अनुसंधान से उधर पंचनामा करके अगर पेपर सादर नहीं किया है तो उनके ऊपर MRTP लगा के FIR दाखिल करते हैं के नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो महानगर पालिका प्रभाग समिति आय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अपनी कार्रवाई अपनी कार्यपद्धति बहुत ठीक ठाक तरीके से कर रही है। अगर नहीं करते हैं तो ग्लिसन गोंसाल्विस के साथ प्रभाग समिति आय के महेश पाटिल की भी नौकरी खाऊंगा मैं। आपने काफी चुना इतिहास बताया, काफी ग्राउंड दिखाया, और मेरा सवाल मैंने शुरू में यही था कि अभी जो नोटिस निकला है 7 दिन का उसके ऊपर आपकी क्या, तो इससे आपने भी जो लास्ट में कही दिया कि आप तीव्र तरीके से विरोध करेंगे, आपका पूरा मंशा वही है। एक तरफ प्रभाग समिति आई जो है वो काफ़ी विवादों में है, जैसे हालिया समय में यहाँ पर विनीत बार को लेकर काफ़ी विवाद सामने आ रहे हैं। विनीत बार जो है उसका भी MRTP नोटिस निकले, कई दिन हो गए लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। तो ऐसे में क्या एक सहायक आयुक्त के पद पर रहते अधिकारी को MRTP नोटिस और गुनाह दाखिल होगा, ये आपकी लगता है खातरी होती है? ये जो विनीत बार जो चल रहा है, ये विनीत बार जो चला रहे है मैक्वेल नाजरेत मिस्किटा, ये अवैध बांधकाम के लिए बहुत फेमस है। और ये हमेशा जिधर भी जाते हैं ना अधिकारी, किधर भी मतलब महानगर पालिका में जाओ या तहसीलदार में जाओ, ये हमेशा अप्पा का नाम लेता है। पता नहीं ये अप्पा कौन है और इनके नाम से अधिकारी क्यों डरते हैं, क्योंकि ये जो मैक्वेल नाजरेत मिस्किटा, ये जो विनीत बार है बंगली नाके पे जो स्थित है वसई वेस्ट में, ये बार को नोटिस निकला, मैंने कंप्लेंट डाला था, नोटिस निकला तभी इसने जाके अधिकारियों को धमकी दिया कि मैं अप्पा का आदमी हूं, मेरे ऊपर नोटिस क्यों निकाला, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वप्निल डिकुना किसी को डरता नहीं है, स्वप्निल डिकुना किसी से मतलब अप्पा कौन है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी है स्वप्निल डिकुना एक ही चीज से डरता है, वो है संविधान। संविधान में लिखा है संवैधानिक तरीके से सब ने अपना अपना काम करना चाहिए। तो बार इलीगल है, ये आज MRTP निकल गया है। MRTP निकल के अभी 6 महीना होने को आया, लेकिन महेश पाटिल ने आज तक उसके ऊपर FIR दाखिल नहीं किया है। तो देखिए अगर महेश पाटिल कार्रवाई नहीं करता है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, और अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहा है तो महेश पाटिल की नौकरी जानी ही जानी है। IPC कलम जो है सेक्शन 166A के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई होने वाला है, और 34 सेक्शन भी लगेगा क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक क्रिमिनल को बचाया जा रहा है महेश पाटिल द्वारा। और महेश पाटिल अगर ये विनीत बार के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो महेश पाटिल की नौकरी जानी ही जानी है। लेकिन विनीत बार को
जो MRTP निकला उसको 6 महीने हुए हैं और यहाँ पर हर 2 महीने में 3 महीने में सहायक आयुक्त चेंज होता है, तो ऐसे में ये तय क्या कैसे हुआ कि किसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए? वो जो नोटिस निकला है MRTP का, वो MRTP नोटिस निकलने के बाद जितने सहायक आयुक्त आए वो सबके ऊपर होएगा। लेकिन आज महेश पाटिल क्यों? क्योंकि महेश पाटिल वो कुर्सी पे आज बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले जो सहायक आयुक्त थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होएगा। एक बात और बता देता हूं आपको कि इसी कुर्सी के ऊपर जब मैक्सी विनीत बार के ऊपर कार्रवाई हो रहा था तो ग्लीसन भी बैठा हुआ था वही कुर्सी के ऊपर, तो ग्लीसन को भी नहीं छोड़ा जाएगा ये मामले में। ग्लीसन हो गया, विक्टर डिसोजा हो गया, उसके बाद ये महेश पाटिल हो गया। ग्लीसन के पहले कौन था वो, अपना क्या नाम है उसका, औरत थी एक सहायक आयुक्त था, उसके ऊपर भी कार्रवाई होएगा क्योंकि उन्होंने अपना काम नहीं किया है। तो ये तो चलो MRTP एक्ट जो है वो होगा तब होगा, लेकिन हम बात करें नैतिकता की, तो क्या नैतिकता के आधार पर ऐसा अधिकारी जो दिन रात लोगों के घरों को तोड़ता है, उसका खुद का घर इल्लीगल है, क्या उसको नैतिकता के आधार पर अपने पद पे बने रहने का अधिकार है क्या? उसको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे हो। MRTP मेरे हाथ में आने दो, फिर ये जो अधिकारी है ग्लीसन गोंसालुइस, ये अपनी कुर्सी पे बैठ गया, कभी महानगर पालिका के अंदर जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मनसे के झंडे को हाथ लगा है। ऐसी सजा होएगी कि अगली बार किसी भी झंडे को हाथ लगाने से पहले ये आदमी 2 बार सोचेगा। तो ये हम बात कर रहे थे स्वप्निल जी से, स्वप्निल ने बड़े ही विस्तार से पूरा एक पिछले समय का पूरा एक जो क्या चल रहा है वसई विरार महानगर पालिका में उसका सबका यहाँ पे एक तस्वीर खींच के बताई, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि मामला जो है वो फिलहाल शांत हो गया या मन से जो है वो शांत है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, मन से अपनी तरह से लगी हुई है। और ये जो अधिकारी मुँह जोर अधिकारी जिस तरह से लोगों के साथ में मुँह जोरी करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए मन से अभी भी वहीं अपने स्टैंड पर खड़ी है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।